लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी सिकरवार और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कितने भी अपराध नियंत्रण के वादे करते नजर आ रही हो, लेकिन जनपद मैनपुरी में अपराधों की जैसे बाढ़ आ गई है। मैनपुरी में बदमाश एक पर एक वारदात करते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही बदमाशों ने जनपद के कस्बा बेवर में एक और वारदात को अंजाम दिया है। बेवर में हुई वारदात को लेकर वासी पुलिस पर सवालिया निशान लगाते हुए नजर आए। जनपद मैनपुरी के कस्बा बेवर निवासी कपड़ा व्यवसायी भगवान स्वरूप भारद्वाज के घर में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने पीछे से दरवाजे का ताला तोड़कर छत से घर में प्रवेश कर लिया तथा घर में रखे 8 लाख के आभूषण, नीचे दुकान में रखी 6 लाख रुपए की नकदी के अलावा अन्य कीमती सामान से अज्ञात बदमाशों ने हाथ साफ कर लिए। घटना की जानकारी गृह स्वामी को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का मुआयना लिया और जल्द से जल्द अज्ञात बदमाशों को गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया। इस घटना को लेकर कस्बे के लोगों में रोष व्याप्त है। घटने को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। मैनपुरी से सतेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रीना जी, ये कब आपको जानकारी हुई है कि आपके घर में चोरी हो गई है, लखनऊ की डकैती पड़ गई है? जब ये सुबह गए दुकान में तब। क्या बजे जान पाया लगभग? सुबह 6 बजे। तो क्या क्या चला गया आपका? हमारा तो सारा जेवर चला गया। कितने लाख का आपका जेवर होगा लगभग? जेवर होगा कम से कम 15-20 लाख। सब टोटल सर, हम लोग रात में घर पे सो रहे थे सभी लोग और सुबह हम दुकान खोलने जब गए थे करीब 6 बजे, तो मैंने देखा दुकान का गोलक और मंदिर दरवाज़ा सब फैला हुआ था सामान। उसी के रास्ते रास्ते में ऊपर चढ़ते देखते देखते अपन ऊपर रूम तक आया, वहाँ में सेफ में पूरा गोल्ड रुपए सब चोरी हो चुका था। कितने रुपए की चोरी हुई होगी? चोरी हुई सर 6 लाख करीब, 13,000, 6.5 लाख की ज्वेलरी, 8.5 लाख का जेवर था। क्या आप लोग यहाँ रहते नहीं थे? सर रहते थे, एक्चुअली मेरा बच्चा थोड़ा छोटा हुआ है जी, और बच्चे को उसकी दादी कहती सर्दी के बारे नीचे लेट जाओ अभी, ऊपर बाद में चले जाना। तो ये हम लोग सर दिन में आते थे, रात में नीचे लेटते थे। ये रात की वारदात है। कहाँ से आए ये लोग? ये लोग सर पीछे छत के ही रास्ते से आई, ये हम पूरा 100% क्लियर है। ताले दोनों टूटे हुए मिले जी और ये सब छत के रास्ते ही से आए। माल कहीं बरामद भी हुआ कहीं? हाँ सर, अभी हम गए थे अटैची बजेरे मोड़ पे, वहाँ अटैची मिली, मेरे प्रॉपर्टी के कागज भी मिले वहाँ पे। ज्वेलरी वगैरह नहीं मिल पाई? कुछ नहीं। राम भाई, आज रात की घटना है, ये सदर चौराहा जो मार्केट है वहाँ पर भगवान स्वरूप जयप्रकाश पथ भंडार है, उसी में वो निवास भी करते हैं और दुकान भी है उसी में। इसी मार्ग से आज चोर घुस गए हैं और इनका जो तेजी रखी हुई थी वहाँ चाबी भी वहीं रखी हुई थी, तो उसी में से कैश और कुछ ज्वेलरी निकाल के ले गए हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, बेचना किया। कितना आकलन होगा चोरी का? अभी उनको उनका ये कहना है करीब 4-5 लाख कैश गया है और 4-5 लाख के जेवर बताए जा रहे हैं, बाकी अभी सूची प्राप्त नहीं हुई।